दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोया माइक के बारे में, जो कि उसका बैटरी हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, अगर रिबन फंस जाए तो हम कैसे उस बैटरी को निकालेंगे। दोस्तों बोया माइक का बैटरी को निकालने के लिए एक सिंपल तरीका है, लेकिन वो बैटरी अगर रिबन के ऊपर चढ़ा है तभी वो निकल सकता है। सिंपल तरीका से जस्ट उसको रिबन को घींच देना है तो बैटरी निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अगर रिबन उस स्प्रिंग में फंस गया जहाँ पर बैटरी लगता है, तब उसको हम कैसे निकालेंगे, एक छोटी सी इंट्रो के बाद। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम खोल लेंगे इस बैटरी को कैप को जो कि ऊपर से लगा रहता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर बैटरी लगता है वहाँ पर उस स्प्रिंग में रिबन फंस चुका है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए ये वीडियो पूरा देखते रहिए। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए, जैसे कि हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दोस्तों इस बैटरी को खोलने के लिए सबसे पहले मुझे एक हेयर क्लिप का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि बच्चे लोग अपने बालों में लगाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक हेयर क्लिप पुराना वाला है जो कि मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। इसमें दोस्तों रिबन फंस जाने के कारण ही बैटरी नहीं खुल पाती है, लेकिन अगर रिबन नहीं फंसा हुआ तो जस्ट आप रिबन को खींचेंगे और बैटरी तुरंत खुल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हम इस क्लिप को किस तरह से बैटरी में फंसाएंगे और उस बैटरी को क्लिप के सहारे खींचेंगे। तो दोस्तों इस बैटरी और ये क्लिप को इस तरह से एडजस्ट करना है कि बैटरी बीच में हो और क्लिप का जो दोनों साइड है दोनों साइड में रहे, और उसे ज़ोर से दाबकर जस्ट उसको बाहर की ओर खींचना है जिससे वो बैटरी सहित वो बाहर आ जाए। वो भी इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इस तरह से दो तीन बार करना है, दो तीन बार में ये बाहर आ जाएगा। ये मैं पहले बार कर चुका हूँ और दूसरी बार में ये आ गया बाहर। और दोस्तों देख सकते हैं इसी तरह से इस क्लिप के सहारे हम बैटरी को निकालेंगे। और ये जो बैटरी रहा ये है मेरे हाथ में, देख सकते हैं ये बैटरी LR44 लिखा हुआ है बैटरी पर। दोस्तों जहाँ पर बैटरी लगती है वहाँ पर एक रिबन भी होता है, जो कि वो रिबन बैटरी में फंस जाने के कारण बैटरी नहीं निकल पाती है। तो इसी कारण से दोस्तों ये सब परेशानी आती है जो कि बैटरी नहीं निकल पाती है।